तो वी आर लाइव नाउ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम इन टुडे सस्टेनेबल सैटरडे सेशन। आई एम योर होस्ट सिद्धार्थ। सो अंडर द सस्टेनेबल सैटरडे सेशन वी हैव स्टार्टेड अनसंग हीरोज सीरीज, जहां पे हम ऐसे हिडन हीरोज की बात करने वाले हैं कि जो सोसाइटी के लिए, इन्वायरमेंट के लिए, एजुकेशन सिस्टम के लिए उनका बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। इस सीरीज का यही एक उद्देश्य है कि ऐसे अनसंग हीरोज के साथ हम बात करें जिन्होंने जो काम किया है वो काम हम समझे, उनका काम हम समझ के हम इंस्पायर हो और उनको भी अप्रिशिएट करें। आज ऐसे ही एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी टीचर कम इन्वायरमेंटल लवर मिस्टर प्रकाश सिंह राजपूत जी हमारे साथ है। प्रकाश सिंह राजपूत ये छत्रपति संभाजी नगर मुरुमखेड़ावाड़ी गांव में जिला परिषद स्कूल की जॉब करते हैं, जिन्होंने इन्वायरमेंट कंजर्वेशन एंड डिजिटल एजुकेशन के लिए बहुत सा कार्य किया है। बच्चों को अच्छी शिक्षा के साथ, किताबी शिक्षा के साथ ऑन ग्राउंड नॉलेज प्रोवाइड करने के लिए सर ने बहुत अच्छी अच्छी योजनाएं बनाई हैं, जिसका फायदा स्टूडेंट को आज हो रहा है। साथ ही बच्चों को डिजिटल एजुकेशन कैसा प्रोवाइड किया जा सकता है इस पे भी सर ने बहुत ही काम किया है। एंड मुझे बताने में खुशी होती है कि सर पेशे से तो टीचर है बट पर्यावरण के प्रति, इन्वायरमेंट के प्रति सर का बहुत ही गहरा प्यार है और बहुत सारे ट्रीज उन्होंने अभी तक लगाया है। मैं भी उनको बहुत नजदीक से जानता हूँ और मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ कि टीचर होने के साथ साथ सर इन्वायरमेंट एजुकेशन पे भी काम कर रहे हैं, बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट में भी काम कर रहे हैं। गांव का विकास कैसा हो सके, जिस गांव में वो टीचर है जिला परिषद स्कूल्स में मुरुमखेड़ावाड़ी में, उस मुरुमखेड़ावाड़ी के लोगों को कैसा अच्छी सुविधाएं मिले, उनके लाइफ में इंप्रूवमेंट कैसा हो, इतनी सारी चीजें प्रकाश सिंह राजपूत जी कर रहे हैं। इसलिए हम आज उनको अनसंग हीरो बुला रहे हैं, तो उनका काम सुनने के लिए आज हम यहाँ पे आए। तो चलिए सुनते हैं अनसंग हीरो की कहानी उनके जुबानी। नमस्ते प्रकाश सर, वेलकम इन टुडे सस्टेनेबल सैटरडे सभी सेशन। आपका बहुत बहुत को धन्यवाद कि आपने आपके बिजी शेड्यूल में से हमें टाइम दिया है। एंड आज हम समझना चाह रहे हैं कि आप जो काम कर रहे हैं औरंगाबाद में, आप जो इतना सारा काम कर रहे हैं उसके पीछे आपकी प्रेरणा क्या है और क्या क्या आपने अभी तक काम किया है, उसका बच्चों को या फिर नियर बाय गाँव में जो लोग हैं उनको कैसा फायदा हुआ है। हम ये चाहते हैं कि आपका काम लोगों तक पहुंचे, लोग इंस्पायर हो और लोग वो काम में थोड़ा सा अगर योगदान दे पाए तो वो भी बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी ऐसा मुझे लगता है। एंड यस, हैंड ओवर टू यू प्रकाश जी। आपने एक जो जी पोएम शेयर की, पहले मैं वो स्क्रीन पे शेयर करता हूँ, तो ओके पोएम के सर साथ आपका सेशन स्टार्ट जी करते हैं। सभी को मेरा नमस्ते। आज मैं आपके सामने मेरी एक पोएम लिख वाली जो आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। जब भी मैं स्कूल में से जब पीछे देखता हूँ कि स्कूल के पीछे के तरफ हमारे पहाड़ है, जो पहाड़ को देख के एक मेरे कुछ शब्द आए हैं, उन्हें मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। लुक बिहाइंड माई स्कूल, लुक बिहाइंड माई स्कूल, हिल्स कैचेस आईज जॉयफुल, ग्रीन ग्रास एंड अमोंग ट्री टू सर्च विजन एवरीवेयर सो, ग्रीन ग्रास एंड अमोंग ट्री टू सर्च विजन एवरीवेयर सो, विंडोज ऑफ माई क्लासरूम टेक्स मी हायर इन अ ड्रीम, टेक्स मी हायर इन अ ड्रीम, वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन हिल टॉप, वॉन्ट टू क्लाइंब ऑन हिल टॉप सर्च ऑल्सो वेयर माई लाइफ वेन स्टॉप, वंडरफुल वर्ल्ड शो फ्रॉम इट वॉन्ट टू ड्राइव माई फीलिंग ऑन इट, वंडरफुल वर्ल्ड शो फ्रॉम इट वॉन्ट टू ड्राइव माई फीलिंग ऑन इट, ओ हिल्स यू आर माई गाइड, नेवर आई मिस माई एम इफ आई स्लाइड, नेवर आई मिस माई एम इफ आई स्लाइड। थैंक यू ये सर, जो बहुत ही सुंदर कविता आपने बोली है। मैं अपने व्यूअर को ये बताना चाहूंगा कि सर पेशे से तो जिला परिषद टीचर है, सर इन्वायरमेंट में काम करते हैं, एजुकेशन में काम करते हैं, बट सर एक बहुत ही अच्छे लेखक और एक बहुत ही अच्छी कवि है। क्योंकि मुझे लगता है कि ये चौथी पांचवी पोयम होगी सर की जो मैं सुन रहा हूँ। सो इमीडिएट कोई भी टॉपिक पे वो पोयम बनाते हैं और ये पोयम से आपका सर जो विजन है या फिर आपका जो एक दृष्टिकोण है वो मुझे लगता है कि इस पोयम से झलक रहा है। आप जो आपके स्कूल में कार्य कर रहे हो या फिर आपका जो एक विजन सेट किया है, थैंक यू, बहुत ही अच्छी पोयम सर आपने बोली है। जी सर, सर मेरी कहानी आपको बताने जा रहा हूँ, मेरी यस स्कूल यस, की मैं कहानी। जस्ट आपको हम प्रेजेंटेशन शेयर करता हूँ। जी सर हाँ, तो इस सेशन स्टार्ट करने से पहले मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही था सर कि मुझे आपके स्कूल के बारे में जानना है। क्योंकि जहां तक मुझे पता है कि आपके स्कूल रूरल एरिया में, बहुत एक ऐसे गांव में कि जहाँ पे
पक्की सड़कें भी नहीं है वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, फिर भी आप छत्रपति संभाजी नगर से डेली अप डाउन करते हैं गाड़ी पे, टू व्हीलर पे आते हैं, बहुत सारी तकलीफ आपको होगी डेफिनेटली। बट इतना, क्योंकि बहुत सारे टीचर्स मैंने ये देखे कि वो ट्राई करते कि घर के पास स्कूल हो, तो जल्दी से घर के पास स्कूल है तो जाएंगे, अच्छे से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे और फिर से वापस आएंगे। बट आपकी जो स्कूल है मेन सिटी से, आपके घर से इतना दूर है, रोड नहीं है, बहुत सारी चीजें आप फेस करते हो, तो मुझे और अपने व्यूअर्स को उसके बारे में भी थोड़ा बताइए। जी सर, मेरा जो स्कूल है सर, जो छत्रपति संभाजी नगर हमारे जो जिले से 38 किलोमीटर तक पे आता है, जो कि बहुत ही पहाड़ी इलाके में है, जिस तक जाने के लिए अभी भी रोड बने नहीं है। आज अपने हमने आज़ादी के 75 वर्ष मनाए हैं, पर भी अभी भी हमारे गांव का या फिर हमारे जो भी स्कूल तक का जो रोड है अभी तक बना हुआ नहीं है। ऐसे इलाके में ऐसे बच्चों के लिए मैं जब काम करने जाता हूँ कि मन में एक ऐसी तमन्ना रहती कि ये बच्चे आज की दुनिया में पीछे ना रहे, ये बच्चों के लिए कुछ तो मुझे एक अलग करना है, क्योंकि इनके पास सुविधा की कमी है, इनके पास में सुविधाओं की अवसर इन्हें कम मिलते हैं। तो इस कारण से मैंने जो भी मेरे स्कूल का जो डेवलपमेंट करते आया है, मुझे जो भौतिक उसमें विकास करते आया है, उसका विकास मैं करते आया हूँ। और ये बच्चों के लिए जो मोबाइल एरिया में जो स्कूल होने से उनका बाहर के दुनिया से बहुत ही कम संपर्क आता है, तो ऐसे बच्चों ने जब DFC में जब अवार्ड लेते हैं, पूरे इंडिया लेवल पे जो अनाउंस हुआ था, जो हमने एक पार्टिसिपेशन किए थे बच्चों ने हमारे आवर स्टडी मॉल, जो पढ़ाई का उन्होंने एक ये बनाए थे स्टेशन बनाए थे, जहाँ बच्चे शाम में मिलकर सोलार लाइट के नीचे, लैटन के नीचे वो पढ़ाई करते थे। तो इस कारण से बच्चों का दुनिया से, और दुनिया ने भी देखी कि ये बच्चे इतने रूरल एरिया में रहते हुए भी ये बच्चों का ये किसी से कम नहीं है, समझो ये बच्चे कोई चीज में पीछे नहीं रहते हैं। ये बच्चों के लिए अक्सर एक सुविधा की कमी थी। मैं मेरी जब नौकरी शुरू हुई ऐसे इलाके से हुई, सन 2004 के अंदर मैं ज्वाइन हुआ था, जब मैं मेरे स्कूल में जब देखा था मैंने कि एक बंद पड़ा हुआ 2-in-1 मेरे स्कूल में पड़े वाला था। सर, मन को तकलीफ होती है कि जब अपन अच्छी शिक्षा का आज सपना देखते हैं, आज अपन बड़े तरक्की के लिए जाते हैं, आज हम बड़े उम्मीद लगाते हैं कि बच्चों ने बहुत बड़ा होना चाहिए। जब मैंने देखा था कि 2-in-1 ही मेरे स्कूल में था, जो कि पूरी तरह से अनकंडीशन था, जो चलने लायक नहीं था, उसे देख के मुझे थोड़ा सा तकलीफ हुआ था सर। उसी एक साल के बाद में मेरे स्कूल में 2 कंप्यूटर आए, जिसका का यूज मैंने 2005-06 में ही उनका डिजिटल क्लास में यूज किया था। आज मुझे अभिमान है कि जो मैं एरिया में काम किया था, जो पहले स्कूल में मैंने जो काम किया था, वहाँ का एक बच्चा अभी MBBS सेकंड ईयर में पढ़ रहा है, एक उसका उस बिल्कुल तरक्की होने में वो एक चीज बहुत कामयाब हुई थी। वो बच्चा पहली से मेरे पास में ये ज्वाइन हुआ था, आज वो बच्चा MBBS अगर बन रहा है, वो भी मराठी स्कूल से, उर्दू बोलने वाला बच्चा, जो कि पूरे 99% मुस्लिम आबादी के गांव में मैंने काम किया था, वहाँ का बच्चा मराठी स्कूल से पढ़ के आज MBBS कोल्हापुर से बन रहा है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ऐसे बहुत से बच्चे वो स्कूल के भी अच्छे बड़े हैं। एक बात ऐसी होती है कि जब हम डिजिटल चीजों का इस्तेमाल करना चाहते हैं, ये करता क्या है, आपके लिए ये चीजें क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका एक थोड़ा सा मैं हिस्ट्री आपको बताने जा रहा हूँ। हाँ, हर क्लास में जैसे बच्चे रहते हैं, सबका आकलन क्षमता सबकी अलग रहती है। कोई बच्चों को आप एक बार में बोले उनको पढ़ने में आ जाता है, वो अध्ययन में आगे आ जाते हैं, वो पढ़ने में आगे आ जाते हैं, लेकिन कोई बच्चे ऐसे रहते हैं कि जिन्हें हमें बार बार कोशिश करना पड़ती है। तो ऐसे ही बच्चों के लिए उनका इंटरेस्ट इसमें ज्यादा रहता है, डिजिटल कंटेंट में उनको दिलचस्पी ज्यादा मिलती है, वो ज्यादा अच्छी तरह से उसमें इन्वॉल्वमेंट हो जाता है उनका, और वो पढ़ने में इंटरेस्ट उनका बड़े वाला मुझे दिख के आया है। इसी के लिए मैंने सभी स्कूलों के लिए, समझो मेरे आज तक मैं 3 स्कूल पे काम किया हूँ, मेरा पूरा सर्विस आज देखेंगे तो 19 साल का मैंने सर्विस किया है। इन 19 साल के अंदर मैंने तीन स्कूलों में, तीनों स्कूल को मैंने डिजिटल तो बनाया है, इनमें से 2 स्कूल को मैंने सोलार के साथ में डिजिटल बनाया है। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि सोलार का इस्तेमाल क्यों आवश्यक है, रूरल एरिया में, ग्रामीण इलाके में हमें सोलार की जरूरत क्यों है।
हम अक्सर ये देखते हैं कि डिजिटल के लिए जो भी हम सामग्री यूज करते हैं, जैसा कि प्रोजेक्टर हो गया है, एक पीसी हो गया है, इन सभी चीजों के लिए स्टेबल पावर सप्लाई की गरज रहती है, जो कि देहातों में, गांव में, जब खेतों में सिंचाई की जब कामें होती है, जब जैसा कि वोल्टेज का इश्यू आता है, फ्लक्चुएशन होता है, वोल्टेज डिम रहता है, बहुत से यानी बहुत ही दिक्कत आती है, तो ये इन चीजों को बहुत हानि हो सकती है, ये खराब हो सकती है सर। तो इसके लिए एक स्टेबल पावर सप्लाई जो कि हमें जब चाहिए, ऐसा नहीं कि हम पूरे क्लास में पूरे दिन भर हम इन्हीं चीजों को लगा के बैठेंगे, ऐसी बात नहीं रहती है। कुछ समय ऐसा पल रहते हैं कि बच्चों को ये चीजें हमें दिखाना आवश्यक रहती है, जब डिजिटल कंटेंट हम उन्हें दिखाना चाहते हैं उस समय लाइट का रहना, बिजली का रहना बहुत आवश्यक रहता है। अगर वक्त पर बिजली नहीं रही तो आपका मोटिव सक्सेस होगा नहीं, आप जो सोचेंगे वो सक्सेस होगा नहीं। तो जैसा सोलार का यूज हमें इसलिए होता है कि सोलार में हम जब बच्चों को हमें जैसा बिजली हम उसमें स्टोर करते हैं बैटरी के अंदर, और उसमें से हम ये डिजिटल कंटेंट जब चलाते हैं तो उसका इस्तेमाल सही समय पर जब होता है तभी उसका ज्यादा बच्चों में फायदा दिखता है, उनमें इंटरेस्ट आया वाला दिखता है, और उसके रिजल्ट सर मुझे दिखे हैं बहुत अच्छे। जैसा कि मैंने सेकंड स्कूल जो थी मेरी बड़कवस्ती, जो सिल्लोड तालुके में आती है, आप अजंता लेनी वगैरह जानते हो, उसी तालुके में ये बड़कवस्ती नाम की स्कूल जो है, कि इसे मैंने मराठवाड़े की पहली सोलार डिजिटल क्लास रूम वाली स्कूल बनाया था, जो कि हमने बहुत कम लागत में किया था सर। एक्चुअली उस समय में 1.5 से 2 लाख का बजट लगता था, तो हमने एक 25-26 हज़ार में हमने ये मॉडल तैयार किया कि जो कम रेट में भी हम इसे डिजिटल बना सकते हैं, कम इसमें भी हम इसे सोलार पे चला सकते हैं, और इसका सक्सेस इतना अच्छा रहा सर। 2014-15 से जब मैंने स्टार्ट किया था इसे, तो ये स्कूल को देखने बहुत से आजू बाजू के तालुके से टीचर्स आते थे, उन्हें भी इससे प्रेरणा मिलती थी। उन्हें भी मैं कहता था कि गांव में का एक इंसान ऐसा रहता है, हर गांव में एक इंसान ऐसा रहता है कि उसके लिए स्कूल एक मंदिर से कम नहीं रहता है, वो इंसान स्कूल के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहता है, वो समाज के अंदर ऐसा इन्वॉल्व होता है कि वो पूरे समाज को जागा करता है, यानी उनके उनके उनमें दिलचस्पी लाता है कि हमें भी हमें हमारी स्कूल अच्छी करना है, हमें भी अपने बच्चों के लिए अच्छे से एक स्कूल तैयार करना है। तो इस कारण से जैसा कि वो टीचर्स स्कूल देखने आते थे, ऐसा व्यक्ति उनके साथ में, जिसे हम शिक्षा प्रेमी बोल सकते हैं, ऐसा एक शिक्षा प्रेमी व्यक्ति साथ में लाने को मैं उन्हें कहता था। ऐसे करते करते सर 200 से 250 लोग विजिट हुए गांव के, उनमें से हमने मेरे जिले में छत्रपति संभाजी नगर में 49 स्कूल मैंने डिजिटल में कन्वर्ट करा है, जो कि हमने पूरी तरह से सोशल जो है ये फंड है जो समझो लोक सहभाग से हमने इसमें डिजिटल में काम किया है। इसमें से हमने 16 स्कूल हमने लगभग हमने इसमें सोलार पे किए, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के बारे में खुद भी प्रोड्यूस कर रहे, जिनके लाइट बिल की समस्या उन्हें नहीं है और टाइम पे उन्हें बिजली पूर्ति होने वाली है, मुझे तो इसका फायदा हमें। सर एक बात मैं ऐड करना चाहूंगा कि जैसा आपने बिल्कुल बताया कि 49 स्कूल सबने डिजिटल किए हैं, उसमें आपने सोलार किया है, तो इट्स लाइक आपने एक सस्टेनेबल मॉडल बनाया है। और जैसा आपने बोला कि जहां पे 1 लाख 1.5 लाख रुपए लग रहा है, वहां पे आपने 25-30 हज़ार में किया है। सो एक्चुअली ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जब हम कॉर्पोरेट में भी काम करते हैं तो हमें भी ये टास्क होता है कि कम बजट में, कम फाइनेंशियल थिंग्स में हम अच्छी क्वालिटी का काम कैसा कर सके, प्रोजेक्ट को जी सस्टेन कैसा कर सकते हैं। आपने स्कूल को डिजिटल बनाया और हम सबको पता है कि गांव में लाइट की इतनी प्रॉब्लम होती है, उसको आपने वहां पे सोलर इंस्टॉल किया। तो इट्स अ सस्टेनेबल मॉडल जो आपने बनाया। मुझे लगता है कि ऐसे मॉडल और सारे स्कूल में होने चाहिए, और सारे क्या, सारे स्कूल में होने चाहिए जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जी नहीं होती सर है। जी सर एंड सेकेंड सेकेंड चीज ये हम जो देख रहे हैं ना, कि छोटी सी चीज जैसे कि बिजली, अभी अगर आप अर्बन एरिया में आए तो अर्बन एरिया में किसी को पड़ी नहीं है, कोई स्टूडेंट अर्बन एरिया में ये नहीं सोचता कि बिजली इतनी इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि हमें जी 24 आवर्स बिजली मिलती है। बट वही बिजली हमारे इस गांव के बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट, मतलब वो पूरी बिजली पे उनका एजुकेशन डिपेंड है, उनकी सारी चीजें डिपेंड है। सो मुझे लगता है कि सोलार ये एक परफेक्ट मॉडल हो सकता है, अगर हम सोलार को इंस्टॉल करें प्रॉपरली। आपके मॉडल से अगर करें तो मुझे लगता है तो वो तो और ज्यादा इफेक्टिव रहेगा। जी सर सर इसमें एक बताना चाह रहा हूँ मैं, जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रयान अपना लॉन्च हुआ, सभी सब चीज हो गई, लेकिन जब वो स्लीप मोड में गया है, जिससे
रोशनी नहीं मिल पाई। उस समय जो उसमें की जो लिथियम बैटरीज जो भी था उन्हों कोल्ड टेम्परेचर से वो डेड हो गई है। जब वो फिर से रिस्टार्ट नहीं हो सका, जब बिजली का महत्व समझा कि बिजली अगर नहीं रही तो बड़े से बड़ा मिशन भी फेल हो सकता है। फेल हो सकता है जी। ये नहीं, बहुत मुझे तो अच्छा है। लगता है जी कि जी, सर, बिजली के सिवा तो इमेजिनेशन ही, आजकल तो विदाउट बिजली हम इमेजिन ही नहीं कर सकते। बिजली तो एक लाइफ का एक इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है। पिछले वर्ष ही मेरे स्कूल में लाइट का मीटर बिठाया गया है कि जी जो 15 से 20 साल पहले निकाल के लेकर गए थे। क्योंकि अगर आज एक दुख की बात ऐसी होती है कि जब सरकारी स्कूलों को हम चलाते हैं तो फंडिंग की बहुत कमी रहती है सर। वो कम फंडिंग में हम वो बिजली का जो भी व्यापारी दर से जो बिजली स्कूल के लिए चार्ज की जाती है तो उसका बिल उसमें कर पाना बहुत ही मुश्किल जाता है सर। ये कारण से बहुत से स्कूलों को ये हुआ था। लेकिन लास्ट ईयर जैसा भी कि प्रशासन ने बहुत अच्छी तरह से सब स्कूल को बिजली जोड़ने का काम किया है, वो एक बहुत सराहनीय काम प्रशासन ने किया वाला है। लेकिन सर एक बात ऐसी कि जो छोटे स्कूल रहते हैं उनको फंड की बहुत दिक्कत आती है। तो ऐसे जगह पे समाज का सहकार्य लेना, और जैसा कि बहुत से टीचरों ने जैसा मेरे को स्कूल में आए हमने उन 50 स्कूल को डिजिटल में कन्वर्ट किया है। तो उन्होंने उनके जैसा पालक जैसा आए उनको ये काम पसंद आया। मेरा जो रोल मॉडल जो बनाया था हमने स्कूल का उन्होंने उसे उसका वैल्यू उन्होंने समझा कि ये इनके बच्चों के लिए फायदे का है। बच्चे भी उस पर अच्छी तरह से पढ़ रहे थे। तो ये देख के उन्होंने भी उनके गांव में उनके स्कूल को बदलने का इरादा पक्का किया था और इसमें से उन्होंने सफलतापूर्वक वो हासिल किया था। इसके साथ में सर मैंने जो मेरी जो स्कूल थी सिल्लोड तालुके में ही उसमें मैंने बच्चों को गार्डन के अंदर जो भी रोज हम बच्चों को खाने के लिए जो चावल देते हैं खिचड़ी देते हैं तो उसको नीचे जमीन पर बैठ के जब बच्चे खाते हैं अचानक हवा आने से या किसी के चलने से उसमें मिट्टी या धूल मिट्टी कंकर जाके गिर सकते हैं। इसी कारण से हम मैंने एक सोचा कि बच्चों को हम डाइनिंग टेबल बनाते हैं तो ये डाइनिंग टेबल के ऊपर बच्चे गार्डन में बैठ के मिड डे मील का यूज कर सकते, खाना खा सकते, जिसके कारण उनकी सेहत भी अच्छी रहेगी और उन्हें एक अच्छी जगह पे खाना मिल रहा है तो इसका एक समाधान भी एक अलग से रहेगा। तो ये वजह से सर मैंने ये तो मेरा ये जो मॉडल होगा ये स्टेट में का पहला ही मॉडल था जो मिड डे मील ऑन डाइनिंग बोल के मैंने स्टार्ट किया था सर। ये लागत में मैं मेरी वो स्कूल को डिजिटल हो गया था, सभी काम हो गया था, मैं मेरे स्कूल को ISO का सर्टिफिकेट ले सकता था सर। एक 12 से 15 हज़ार रुपये उसके लिए हमें टोटल वर्क रहता है जो चार्जेस रहता है उनका एजेंसी का वगैरह। तो उसमें मुझे एक ISO सर्टिफाइड स्कूल मुझे करते आ रही थी। लेकिन मैंने एक सोचा सर उस बारे में कि मैं अगर ISO लेता हूँ तो मेरा सर्टिफिकेट सिर्फ मेरे ऑफिस में लगे वाला दिखेगा। लेकिन मैंने वो पैसों में बच्चों के लिए डाइनिंग टेबल का यूज किया जिस कारण से डाइनिंग टेबल पे बच्चे गार्डन में अच्छे से बैठ के उनका मिड डे मील का सर्व कर सकते थे। जिस कारण मुझे वो सर्टिफिकेट की गरज क्यों नहीं लगी क्योंकि जैसा जिला परिषद जैसा गवर्नमेंट के स्कूल है इन्हें एक UDISE नंबर रहता है सर, जो यूनिक कोड रहता है जो स्कूल का एक UDISE कोड रहता है। तो इतने इतने सारे सरकारी स्कूल जो इंडिया में है जो सरकारी स्कूल है इनके कोड तो ISO के पास भी नहीं होंगे, इतने कोड अपने सरकारी स्कूल के है। तो हम हमारा कोड ही क्यों ऐसा एक क्वालिटी का क्यों नहीं बना सकते, ये सोच मैंने उसमें रखा सर। इसलिए मैं ISO के पीछे न जाते हुए बच्चों के लिए मिड डे मील ऑन डाइनिंग ये प्रोजेक्ट मैं ला सका था। एक उसके पीछे की मेरी सोच थी उसके बारे में। मुझे भी और वही लगता है कि सर सर्टिफिकेट लगाने से अच्छा आप डेली, मतलब ठीक है वो सर्टिफिकेट आपके ऑफिस में रहेगा, लोग अप्रिशिएट करेंगे, देखेंगे वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीजें, बट उसी पैसों में आप ये डाइनिंग कर रहे हो तो हर दिन बच्चा प्रॉपर खाना खा रहा है वहां पे। मुझे ऐसा लगता है एक बच्चे ने, सारे ही बच्चे आप प्रॉपरली वहां पे बिठा के खाना खा रहे हैं। सो ये तो कभी भी अच्छा ही रहेगा कि हम अगर अपने वहां पे पैसे इन्वेस्ट करने की बजाय यहाँ पे पैसे इन्वेस्ट किए। सो इट्स अ रियली अप्रिशिएबल, और बहुत कम लोग ऐसे सोचते हैं, क्योंकि आजकल लोगों को एक ये होता है कि नहीं यार कुछ भी करो ISO सर्टिफिकेट हमें चाहिए। बट ISO सर्टिफिकेट से ज्यादा जो चीज इंपॉर्टेंट है वो शायद आपने आइडेंटिफाई कर ली, उस पर काम किया और अपने वो ऑब्जेक्टिव भी अचीव कर लिया। जी सर, सर और एक बात कहना चाहता हूँ मैं। अब मैं जो भी स्कूल में काम कर रहा हूँ सर मुझे पेड़ लगाने की बहुत आदत है, मैंने बहुत से पेड़ एक्चुअली मेरा मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि
जी सर, पर्यावरण में भी आप बहुत काम करते हैं, तो हम ये सुनना चाहेंगे कि पर्यावरण में आपका इंटरेस्ट कैसा जागा, आप क्यों पर्यावरण में काम कर रहे हो, कोई ऐसा मतलब कोई इंसिडेंट है कि उसकी वजह से आपको लगा कि नहीं पर्यावरण में काम करना चाहिए? जी सर, सर पर्यावरण का संबंध ऐसा आता है कि हम सिर्फ पेड़ लगा के छोड़ते हैं, हम वृक्षारोपण के लिए जाते हैं, लेकिन हम उसका मोटिव भूल जाते हैं कि इसे हमें कैसा संवारना है, इसे हमें कैसा बचाना है। हम सिर्फ पेड़ लगाते हुए दिखाएंगे, इसका मतलब कोई नहीं सर। इसमें हमें इसके साथ में, पेड़ के साथ में हमें अभी क्या करना है कि पेड़ के संवर्धन पे काम करना है हमें। बच्चों में जैसा डेवलपमेंट होता है, जैसा बच्चा पेड़ में, जैसा मैंने स्कूल में आप देख सकते हैं कि बजी आपको डाइनिंग टेबल भी दिख रहा है, लेकिन वो गार्डन के अंदर है। जी जी तो इस जी गार्डन को जो बच्चों ने संवारा है, तो बच्चों को जो गार्डनिंग का वर्क मिलता है, जिसे हम कार्यानुभव का पीरियड भी बोलते हैं, तो वो प्रैक्टिकल उन्हें ये गार्डन में मिलता है सर। जिस कारण में जैसे बच्चा बढ़ता है, वैसा उनके अंदर ये निसर्ग के प्रति, ये पेड़ों के प्रति एक दिलचस्पी उनके अंदर तैयार होती है। एक भी बच्चा फूल भी नहीं तोड़ता है, एक भी बच्चा पान भी नहीं तोड़ता है। तो ये कारण से हमें उन्हें संवारना है। वो बच्चों की तकदीर जब बनाना है, तो उन्हें इस कारण ऐसा बनाना है कि जिसमें उन्हें आनंद भी मिले, उसके अंदर उन्हें रुचि भी रहे। हम सिर्फ उन्हें दिखाएंगे कि हम पेड़ लगाते हैं, उसे छोड़ देते, वो पेड़ बढ़ता भी नहीं, जल जाता है, ये होता है। लेकिन ये सक्सेसफुल जो वर्क मिलता है, बच्चों ने हर पेड़ को उनके नाम दिए थे, ये मेरा पेड़ है, ये मेरा पेड़ है। इस कारण से उनमें एक कॉम्पिटिशन भी लगा था कि मुझे ऐसे पेड़ लगाना चाहिए। सबने ऐसे पेड़ के लिए कोशिश की है, सबने अपने अपने पेड़ के लिए कोशिश की, और वो बढ़ते हुए उनके उनमें जो आनंद मिला है, वो एक बहुत बड़ी चीज थी सर मेरे लिए। सही है, क्योंकि हम भी वही चाह रहे हैं। जैसे ग्रीन यात्रा में भी हमारा एम है कि जो हम ट्री प्लांटेशन करते हैं, लाखों ट्री प्लांटेशन किए जाते हैं हर साल। सो ट्री प्लांटेशन इज नॉट अवर एम, ऐसा नहीं कि बस ट्री प्लांटेशन करते जाना और एक नंबर लेते जाना है। जितने ट्रीज हमने प्लांटेशन किए उसको सस्टेन करना इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ट्री प्लांटेशन ये 10% वर्क है, मुझे लगता है 90% वर्क तो ये सस्टेनेबिलिटी है। ट्री प्लांटेशन में भी हम कौन से ट्रीज लगा रहे हैं ये भी हम थोड़ा देखते हैं कि नेटिव ट्रीज ही लगना चाहिए, नॉन नेटिव ट्रीज नहीं लगना चाहिए। एंड मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई कि आप इन्वायरमेंट के बारे में भी इतने कॉन्शियस है, बच्चों में आप ऐसा कॉम्पिटिशन करवाते हैं। एंड एक सस्टेनेबिलिटी वहां पे बनती है, अगर बच्चा जिम्मेदारी लेता है कोई ट्रीज के बारे में कि ये ट्रीज मैंने लगाया या इसको वाटरिंग मैं करूंगा, इसको इसकी देखभाल मैं करूंगा, तो वो पेड़ बढ़ने का जो सस्टेनेबिलिटी रेशियो होता है वो ऑटोमेटिक 90+ हो जाता है, वो 100% वो पेड़ सर्वाइव होता है। क्योंकि बच्चे जितना डेडिकेटली काम करते हैं उतना मुझे लगता है कि बड़े तो नहीं कर पाते हैं। जी सर, इसके अलावा सर एक बात बताना चाहता हूँ कि जैसा आपने एक मैंने जो मुरुम खेड़ावाड़ी जो स्कूल था मेरा, तो वहां पे पूरा पहाड़ों में पत्थर है, पूरा स्कूल के आसपास का एरिया आपने भी देखा होगा कि वहाँ पे पूरा ऐसा हिली एरिया है, लेकिन वो पहाड़ों में पत्थर है। वहाँ का टेम्परेचर अक्सर धूपकाले में बहुत ही ज्यादा रहता है, गर्मी के दिनों में वो टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहता है। तो ऐसे ऐसे माहौल में हमें पेड़ को टिकाना, यह हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। और इसमें हमें मीवा की टेक्निक की मदद मिली, जिस कारण से हमने वाटर मैनेजमेंट कर सके, उसमें अच्छे से सॉइल का हमने ट्रीटमेंट कर सके, जिस कारण से ऐसे जगह पे हमारे पेड़ आज बढ़ रहे हैं। 3 साल कंप्लीट वो पेड़ों ने किया है, 700 पेड़ों के ऊपर वो पेड़ आज हमने बचा के दिखा है, और उनकी हाइट भी आज लगभग 25 फीट के करीब में जा सकी है। और आप ये देख सकते हैं कि जो बच्चों ने स्टडी पॉइंट बनाया था, जो कि एक बंद पड़े वाला आंगनवाड़ी था, उसके सामने सोलर का लाइट लगाए थे सर। ये लाइट हमें हनुमान के मंदिर के सामने से लाना पड़ा था, और वहाँ बच्चों ने लाइट लगाने का फैसला किए, तो उसे कुछ लोगों ने ये भी किए कि हनुमान का लाइट आप निकल रहे हो तो कुछ तो खराब होगा, अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये लाइट जब बच्चों ने बंद पड़े हुए आंगनवाड़ी के सामने लाए, बच्चों ने जब वहां पढ़ाई शुरू की, जैसे यानी लाइट चली जाती थी रात में, अक्सर लाइट चले जाने से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो सकती थी, तो ये जगह पे आके बच्चे पढ़ाई करते थे। इसे हमने स्टडी पॉइंट या अभ्यास कट्टा भी बोल सकते हैं, जो मराठी में हमें हमने इसे अभ्यास कट्टा नाम रखा था। तो इसमें जो हमारे यहाँ जो बच्चों की कमी थी पढ़ाई में, जो बच्चे पीछे थे, वो बच्चे भी पढ़ाई में बहुत आगे आए इस कारण से। और इसे डीएफसी का डिजाइन फॉर चेंज के अंतर्गत इसे अवार्ड भी मिले वाला है सर। बढ़िया, ऐसे बहुत ही इसके बढ़िया। अंदर कुछ बदलाव हुए है, जैसा आप स्कूल का भी देख सकते हैं कि
स्कूल में बिल्डिंग इस तरह का नहीं था। आप आगे स्लाइड में देख सकेंगे कि बिल्डिंग की कंडीशन हमारी बहुत खराब थी। इसके साथ में आप भी कोविड में जो हमने कोरोना में जो बच्चों के लिए एक ये बनाए थे हैंड वॉश स्टेशन जो स्कूल के बाहर बनाए थे हमने, जो रास्ता था जो लोग अक्सर गांव में जाते थे, बाहर गांव को जाते थे, वो लोगों को आने पर बच्चों ने हमारे डेमो दिखाए कि हाथ कैसे धोने चाहिए, जो हाथ धोने की सही टेक्निक बच्चों ने पेरेंट्स को उनको सिखाई, जिस कारण से एक मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी जितनी भी पॉपुलेशन है वाड़ी की, तो उसमें से एक भी आदमी ऐसा कोविड से ये नहीं हुआ, ये समझो उसके सलामत रहे, सभी जन कोविड के अंदर सलामत रहे। किसी को कोविड नहीं हुआ। हाँ, इस कारण से बच्चों ने जो डेमो दिया था, जो हैंड वॉश कैसा करना चाहिए, प्रॉपर कैसा रहना चाहिए, जो भी उन्होंने डेमो किया था, ये भी ये बहुत बच्चों के काम में आया। बच्चों ने बताया वाला ये पूरे गांव के लिए, पूरे हमारे वाड़ी के लिए काम में आया है सर। तो आगे की इससे यह समझता स्लाइड। है कि हाँ अगर हम स्टूडेंट को सिखाए कोई चीज, बच्चों को अगर हम सिखाए, तो वो उनके माँ बाप के भी टीचर हो सकते हैं। जैसा कि जी कोरोना सर, के इस वो महामारी में करते बच्चों ने खुद थे उनके मम्मी पापा को ये चीज सिखाई। और बहुत सारी, मतलब गांव में तो यही होता है कि गांव में अवेयरनेस नहीं होती, लोगों को पता नहीं होता है। ठीक है, अर्बन एरियाज में एडवर्टाइजमेंट चल रहे थे, लोग एक दूसरे को बोल रहे थे कि अच्छे से हाथ धो, बट रूरल एरिया में तो ये कभी होता नहीं है। उनको पता नहीं कि हैंड वॉश करने का प्रॉपर होता टेक्निक क्या है। बट यहाँ पे बच्चों ने, और आपने बहुत ही एक अच्छा रोल निभाया है, ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। बहुत ही अच्छी नहीं। कवरेज यहाँ पे ली गई है आपके काम की। बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, जो किताबी शिक्षा देंगे हम तो सिर्फ वो लिमिटेड रहेगी, जो उनके पूरे लाइफ में का उन्हें काम में नहीं आएगी। हम उन्हें किताबों से बाहर रखे, हम उन्हें अलग अनुभव से शिक्षा देते हैं। अभी एक पिछले हफ्ते में हमने एक 15 दिन पहले एक बच्चों को जो कौन के ये आते हैं, जो सर लघु कौन आता है, विशाल कौन, खट कौन जो आते हैं, गणित गणित जो हमने बच्चों को इसके अंदर सिखाया था, काय के अंदर, स्पोर्ट्स के अंदर, जो मैदान पे ग्राउंड पे ले जाके बच्चों को, जैसा हम पीटी में ये देख करते, पीटी अक्सर लेते हैं बच्चों का, तो जैसा पीटी हम लेते हैं, तो पीटी में बच्चों को हम ये करते हैं कि उस तरह से बच्चों ने हमारे काटकोन बनाए थे, तो पहली के बच्चों को भी पहली दूसरी जो छोटे बच्चे थे उन्हें भी काटकोन, लघु कोण, विशाल कोण समझ में आया था। तो ये उनके लिए जिंदगी में उनके हमेशा के लिए ऐसे कुछ अनुभव हम देते हैं कि जो बच्चों को लाइफ टाइम के लिए उनके नॉलेज के लिए काम में आने वाले हैं। आप देख सकते हैं कि रोबोट भी हमने वहाँ पे लेके गए थे स्कूल के अंदर, कि बच्चों को रोबोट टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा इंटरेस्ट आना चाहिए। ड्रोन फ्लाइंग का भी सर डेमो दिया है, जो कि बच्चों के लिए ऐसा ड्रोन उन्होंने कभी देखा नहीं रहता है सर। हमारे पहाड़ों के स्कूल में तो बच्चों को ऐसा सिर्फ आसमान में वो उड़ने वाली चीजें देखते हैं, लेकिन जब उन्होंने ड्रोन पास में हाथ लगा के देखा है कि उनकी अनुभूति, यह अनुभूति उनके लिए बहुत अच्छी थी सर, यह अवसर उनके लिए बहुत उपयुक्त था। इसके अलावा हमने स्कूल के अंदर ही बच्चों के लिए डेमो बनाया था कि जिसमें हम जो सेल्फ ट्रैकिंग कार बनाए थे हमने, रोबोटिक कार बनाए थे, बच्चों के साथ मिलके बनाए थे हमने, जिस कारण बच्चों में टेक्नोलॉजी के भी ये आना चाहिए, बच्चों में नॉलेज भी बढ़ना चाहिए, उन्हें इनमें इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ही सर अपन इंजीनियरिंग में बच्चों को आगे ला सकते। किताबी इंजीनियर बना के क्या फायदा सर, जब तक हम उन्हें प्रैक्टिकली इंजीनियर नहीं बना सकते तो उनका कोई उपयोग नहीं। वो जो अगर किताबी इंजीनियर आप बनाएंगे तो ये MBA करके मार्केटिंग में चले जाएंगे, उनका देश के लिए टेक्नोलॉजी में उपयोग क्या रहेगा सर? आप मार्केटिंग बोले तो बिजनेस नहीं करना है, बच्चों को टेक्नोलॉजी में परफेक्ट करने के लिए उनके लिए हमने ज्यादा करके प्रैक्टिकल देने में हमने भरोसा रखा है सर। और उसी कारण मेरे पुराने जो बड़े को स्टीव स्कूल के 10 से 12 बच्चे सर इंजीनियर बने हैं, उसमें का एक प्राउड मेरे लिए इतनी बड़ी बात है, दिलीप बड़क नाम का एक बच्चा है जो आज INS गरुड़ा पे आज वो इंजीनियर बोल के काम कर रहा है, और वो भी हेलीकॉप्टर का मेंटेनेंस कर रहा है सर, एक गर्व की बात है, आज वो देश के लिए काम में आ रहा है सर। जी, और ये बहुत, मतलब मुझे भी सुन के बहुत एक आश्चर्य भी लग रहा है और एक खुशी भी हो रही है कि जिला परिषद के बच्चे जो रूरल एरिया में, जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, छोटी छोटी चीजों के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है, प्रॉपर बैग्स नहीं है, प्रॉपर रोड नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई चीजें नहीं है, और अगर ऐसे बच्चों को एजुकेशन प्रॉपर दिया जाए, तो INS गरुड़ा जैसे ऑर्गेनाइजेशन में जाके अगर हेलीकॉप्टर या फिर कोई उनके मशीनरीज का इतने बड़े लेवल पे अगर काम करता है, तो ये सच में बहुत ही प्राउड की बात है। एंड जी इससे ये सर, भी समझता है कि बच्चों में अगर प्रॉपर एजुकेशन जाए, बच्चों के पास अगर प्रॉपर एजुकेटर हो, प्रॉपर टीचर हो, तो हर चीज मुमकिन हो सकती है, हर चीज बच्चे कर सकते हैं।
वही स्कूल की एक लड़की जो है, जो विद्यार्थिनी थी हमारी, अभिलाषा दांगोड़े बोल के, वो लड़की भी नेवी ज्वाइन किया है सर उसने भी। ये भी एक गर्व की बात है, एक लड़की ने भी नेवी ज्वाइन किया है, ये एक बहुत बड़ी बात है मेरे जिला परिषद स्कूल के लिए सर। आप प्रकाश जी, देख, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसा गांव में ऐसा होता है कि मोस्टली लड़कियों को नहीं पढ़ाते हैं, मैंने ये नहीं भी देखा है पढ़ा कि 5वीं 6वीं 7वीं होगी तो फिर उनको बोलते हैं कि अभी चलो ठीक है शादी कर देंगे या फिर पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे कुछ केसेस आपके साथ कभी हुए हैं क्या? जैसा अभी इस फोटो में भी दिख रहा है कि आप पेरेंट की जो काउंसलिंग वगैरह करते हैं, तो क्या जी ऐसे सर। क्वेश्चन होते हैं, क्या ऐसे चैलेंजेस होते हैं गाँव में जब गांव कि में आपको ये सारे चैलेंजेस चैलेंजेस? लास्ट ईयर का ही बात है, आपको बताता हूँ मैं। एक घर में तीन लड़कियां थी और उनका एक भाई था, एक चार बच्चे थे। तो लड़का उनका छोटा था, तीनों लड़कियां बड़ी थी। जो 3 नंबर की लड़की थी, जो लड़के से एक बड़ी थी 1-2 साल से, तो वो बच्ची को मैंने पूछा, तेरा कभी बर्थडे मनाया गया? तो वो बच्ची ने बताई, सर मेरा कभी बर्थडे मनाया नहीं जाता बोले। तो ये बात मुझे बहुत फील हुई सर, कि बच्चे के लिए केक मनाया जाता है लेकिन लड़की के बर्थडे के लिए केक मनाया गया नहीं। एक भी बर्थडे उसका मनाया नहीं गया था। उसके माँ को मैंने बुलाया था, आप ऐसा भेदभाव जो करते हैं बच्ची के लिए, आप ऐसा ही भेदभाव करते हैं, ये गलत है बोला। तो उस साल उन्होंने बच्चे का बर्थडे नहीं मनाया लेकिन उनके लड़के का पहली बार बर्थडे मनाया, कल्याणी बचटे नाम है उसका। वो एक मेरे लिए एक अच्छा क्षण था कि उसके चेहरे पे जो हंसी आई थी सर बर्थडे मनाते हुए, एक बहुत बड़ा ख्वाब उसका पूरा होते हुए मैंने देखा था। अक्सर ये भेदभाव होता है सर, लड़कों को अलग देखे जाता है, लड़कियों को अलग देखे जाता है। और इस कारण से क्या होता है कि समाज में ये बातें होती है सर, इसमें से फैसला हमें लेना है कि हमें इसमें से बाहर कैसा निकलना है, समाज को कैसा बदलना है, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है सर। आप ये मैडम डेफिनेटली जो काउंसलिंग कर रहा था पालक का, यही मुझे डेवलप कराने का था। आप देख सकते हैं आगे के स्लाइड में आपको दिखेगा, बहुत ही इमारत का बहुत ही बुरे हाल हो गए थे, जिसका हमने टोटली इसका ये किया था, रिन्यूएशन किया स्कूल का, और उस स्कूल को कंपाउंड वगैरह सभी किया हमने, जो भी पालक लोगों ने, बहुत ही गरीब लोगों ने सर इसके लिए कंट्रीब्यूशन किया। हम इसका परिणाम स्वरूप आप देख सकते हैं, जिला परिषद का सुंदर स्कूल अवार्ड हमारे स्कूल ने लिए वाला है। ये पूरा एक पेरेंट्स को जब हम समझाते हैं कि हमें बच्चों के लिए कैसा स्कूल तैयार करना है, तो उसके लिए वो भी तैयार होते हैं सर। और क्वालिटी बच्चों को एजुकेशन मिलना, एक ZP स्कूल में एक क्वालिटी एजुकेशन अच्छे से मिलना, वो भी डिजिटल के युग में, आज 21st सेंचुरी में, अगर हम आज उनको पढ़ाने के लिए देख रहे थे, उनके उनके लिए सामग्री मिलना आवश्यक है सर। सामग्री मिलके कुछ होता नहीं सर। इसके अलावा जब मैंने मेरी क्लास डिजिटल किया, तो मेरे सामने चुनौती की थी कि मैं इसमें क्या दिखाऊंगा बच्चों के लिए, क्योंकि पेड एप्लीकेशन, पेड ई कंटेंट लेना हमारे लिए पॉसिबल नहीं था सर। उस कारण से मैंने खुद को एक उसमें मोटिवेट किया, मुझे खुद को, मैंने उसमें ई कंटेंट मेकिंग में मैं उसमें गया हूँ सर। मैं आज आपको बता सकता हूँ कि मेरे पास 600 से 700 वीडियोस मैंने बच्चों के लिए एजुकेशनल वीडियोस मेरे बनाया हूँ, एजुकेशनल 600 से 700 वीडियो सर बने हुए वाले, और बाकी हमारे टीचर्स ने बना के हमने वही वीडियो कोविड पीरियड में भी बच्चों के लिए घर पे हमने पहुंचाए थे। इसके अलावा कोविड जब आया था, कोविड जब इंडिया में आने वाला था, वो एक समस्या बहुत बड़ी होने वाली है, ऐसा मैंने सोच लिया था कि ये अगर मार्च में जब लॉकडाउन लगा है, मार्च 2020 में जब लॉकडाउन लगा था, जब भी सर मैंने उसे सोच लिया था कि इसमें बच्चों का बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो उस समय में मैंने हेगडे और हॉस्पिटल, जो एक बड़ा नामांकित तो हॉस्पिटल है जो भी औरंगाबाद का है अपना संभाजी नगर का, तो इनकी एक संस्था है सर, सावित्रीबाई फुले महिला एकात्म समाज मंडल, जिसे सापू कहा जाता है। इन इनसे मैंने डिस्कशन किया उनके टीम से, उनको कहा कि अगर बच्चों का एजुकेशन, अगर कोविड लगता है तो एजुकेशन बंद होने वाला है। मेरी एक इच्छा है कि बच्चों को जो पढ़ाई कर सकते, बच्चे लेसन पढ़ के समझ सकते, लेकिन जो पाठ्यक्रम में जो कविताएं आती है उनका जब तक उन्हें भावार्थ नहीं समझता है, उसका मीनिंग नहीं समझता है, तो वो कविता पढ़ के उनके लिए कुछ फायदे का नहीं होने वाला है बोला। तो इसके लिए मैंने शैक्षणिक कविता की गायन स्पर्धा जो टीचरों के लिए मैंने ऑर्गेनाइज करने का उन्हें एक प्रस्ताव रखा था, उन्होंने राजी होते हुए वो प्रस्ताव एक्सेप्ट किया। और मैंने अभी अभी तक आपको बताया नहीं कि मैं पिछले 7 सालों से, 7 से 8 सालों से मैं डिजिटल स्कूल ग्रुप महाराष्ट्र नाम का एक
टीचरों का, हमारे टीचरों का ग्रुप चलाता हूँ, जिसका विस्तार आप देखेंगे कि कर्नाटक के बेलगांव तक हुआ है। वहां पर भी मराठी जो बोलने वाले लोग आए, टीचर्स है, वो मेरे ग्रुप में शामिल हुए वाले हैं। उन तक भी हम जो कंटेंट बनाते हैं, हम ये ग्रुप किस लिए बनाए, ये सबसे ज्यादा ग्रुप है जो कि टीचरों में हमने आपस में जो ई कंटेंट का शेयरिंग होना चाहिए। सिर्फ डिजिटल क्लास बनने से फायदा नहीं होता है सर, जब तक उसमें कंटेंट नहीं मिलेगा, उसके लिए क्वालिटी कंटेंट नहीं मिलेगा, जब तक उसका इस्तेमाल हम कर नहीं सकते। तो इस कारण से हम शेयरिंग कर पा रहे, एक मेक से हमने शेयर किया है। और कोविड पीरियड में जो सिंगिंग कॉम्पिटिशन लिया था, उसके लिए प्राइज वो सापो संस्था ने दिया था, और वो प्राइस के कारण उस कोविड के कंडीशन में जो कि एक ऐसे हालत हो गए थे, आप देख सकते मई जून में इतने डिफिकल्ट कंडीशन हो गई थी 2020 में, उस डिफिकल्ट कंडीशन में आपने टीचरों को भी एक आधार देने की मुझे जरूरत लगी थी, उन्हें भी एक हौसला देने की मुझे एक लगा था मन में। तो वो कॉम्पिटिशन में उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इन्वॉल्वमेंट यानी सहभाग लिया, और इतनी अच्छा कविता सर उसमें आई, म्यूजिक के साथ भी बनाए बहुत जनों ने, और विदाउट म्यूजिक भी बहुत अच्छे से उन्होंने उसका भावार्थ तो समझाया, बच्चों को उसका मीनिंग समझाया, और वो कविता का कैसा गायन होना चाहिए ये भी उसमें उन्होंने बताया। और इसका हमने एनिमेटेड वीडियो करके बच्चों के पढ़ाई के लिए हमने स्मार्ट PDF बना के पूरे बच्चों तक पहुँचा, जिसका लाखों बच्चों ने इस्तेमाल किया है। इसके साथ ही हमने लाइव क्लास भी हमने वो पीरियड में चलाए थे सर, जिसमें टीचर खुद होके आते थे, उनका कंटेंट का वीडियो बनाते थे और फ्री में बच्चों के लिए हम वो शेयरिंग करते थे। इस तरह से हमने कोविड के पीरियड में भी बच्चों के लिए ई कंटेंट प्रोवाइड करने का भी काम किया था सर मैंने, मेरे ग्रुप के माध्यम से, जो कि ग्रुप आज 7 साल में आप देखते हैं अक्सर कितने तभी ग्रुप चालू हो जाते हैं। व्हाट्सअप ये सिर्फ टाइम पास का एक पर्पज से आए वाला था, जो लोग सिर्फ टाइम पास के लिए देखते हैं कि फेसबुक या व्हाट्सअप ये टाइम पास के लिए देखे जाता है, लेकिन इसका ही हमने पॉजिटिव इस्तेमाल किया है कि इसका हमने एजुकेशन के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि हमारा डिजिटल स्कूल ग्रुप के हिसाब में आपको दिखने को मिलता है। और इसका परिणाम बहुत अच्छे सर, महाराष्ट्र तक हर जिले में मेरे ग्रुप तैयार किए वाले, हर जिले के टीचर उसमें सहभाग हुए वाले है, जो भी अच्छी चीज बनती है वो उन तक जाती है। और जिसमें हमने क्यूब का जो 3D मॉडल आया था, जो क्यूब तैयार करके उस पर अगर अपन मोबाइल स्कैन करते हैं तो उसके अंदर से जो इमेजेस दिखते थे 3D इमेजेस, उसका इस्तेमाल भी बच्चों के लिए क्लास में उन लोगों ने किया वाला है। तो ऐसे ऐसे हम टेक्नोलॉजी का जैसा विस्तार करना, उनके पास तक पहुंचाना, ये काम हम ये माध्यम के वजह से कर सके थे। और इस माध्यम के कारण, ये ग्रुप के कारण मैं आज पूरे स्टेट तक काम कर सका हूँ सर। सिर्फ मेरी स्कूल बनाना और मुझे सिर्फ जाना, ये मेरे लिए मुझे पसंद नहीं था। स्कूल तो बनाना है मुझे, ऐसी स्कूल बनाता था कि जो साल भर एक ही जैसी दिखे, ऐसी स्कूल मैं बनाना चाहता था। इसलिए आपको मेरे दोनों स्कूल में आपको गार्डन दिखेगा, पेड़ दिखेंगे, क्योंकि साल का हर एक दिन मुझे एक जैसा दिखना चाहिए, जब भी वो स्कूल का बच्चा हर दिन सीखेगा फिर। ओके सर। हाँ सर, आपकी आवाज मिस कर रहा हूँ। डेफिनेटली डेफिनेटली सर, बहुत अच्छा लग रहा है कि आप इतने सारे इनिशिएटिव कर रहे हो। मतलब एज अ जिला परिषद टीचर, आप आपका जो मेन उद्देश्य, जो मेन कार्य है बच्चों को पढ़ाना, वो कर रहे हो, बट उसी के साथ इतनी सारी चीजें कर रहे हो। डिजिटल आपने ग्रुप्स बनाए, इतने सारे टीचर्स को आपने एक साथ लाया, कोरोना का जो समय था उसको एक वैल्यूएबल टाइम कंसिडर करके उसमें क्या अच्छा प्रोवाइड कर सके, आपने सारे ई कंटेंट बनाए, ये बहुत ही सराहनीय कार्य आपने किया। मुझे लगता है बहुत ये कार्य वही कर सकते हैं कि जिसको सच में उस चीज में इंटरेस्ट है और जो करना चाहता है। अच्छा सर, मेरा एक बहुत मतलब ये सवाल है, थोड़ा फनी सवाल हम इसको बोल सकते हैं, कि बहुत सारी जगह पे ऐसा होता, अभी मैं देख रहा हूँ कि आपके घर से स्कूल का डिस्टेंस नियर अबाउट 38-40 किलोमीटर है, मतलब आप रोज 80 किलोमीटर का ट्रैवलिंग करते हैं, उसमें रोड भी अच्छे नहीं है, तो मुझे लगता है कि 80 किलोमीटर और 100 भी हम उसको पकड़ सकते हैं कि खराब रोड है, फिर इतना ट्रैवलिंग हो रहा है, उसके बाद आप ये सारी चीजें कर रहे हो। तो बहुत सारे बार ऐसा होता है ना कि क्या क्या जरूरत है, मतलब मेरा जॉब है, मैं जिला परिषद का टीचर हूँ, गवर्नमेंट जॉब है, बस जाना है, थोड़ा बच्चों को टीचिंग करना है, वापस आना है, अपना अच्छे से लाइफ जीनी है। मोस्ट ऑफ द लोगों का ऐसा एक पर्सपेक्टिव होता है, बट आपका विजन कुछ अलग है, आप मतलब इस सोच से कार्य नहीं कर रहे हो, तो इसके पीछे क्या मोटिवेशन है, मतलब आप जो कर रहे हो, इतनी सारी चीजें कर रहे हो, इसके पीछे आपको क्या मोटिवेशन है, क्यों आपको ऐसा लगता है कि ये सारा करना चाहिए? जी सर, पहली बात ऐसी है सर कि
बच्चों के मन में से मुझे कॉम्प्लेक्स निकालना है कि वो बड़े स्कूल में नहीं पढ़ सकते, उनकी उस स्कूल में जो स्कूल में वो पढ़ रहे वो स्कूल उनके लिए प्यारी लगनी चाहिए, उनके लिए अभिमान चाहिए कि वो बच्चे मेरी स्कूल इतनी सुंदर है, ये बच्चों के लिए अभिमान की बात होनी चाहिए। क्योंकि बच्चों को ये देने का हर एक मेरा कर्तव्य, मैं मानता हूँ कि बच्चों के लिए मैं डेवलप स्कूल बना सकता हूँ और मैं इस कार्य में मैं समाधान मानता हूँ। अगर मैं मेरे साथ में और किसी के और स्कूलों को मैंने डेवलप किया हूँ तो वो एक पूरे शिक्षा के लिए आप देख सकते हैं कि स्वरूप बदल सकता है, पूरे शिक्षा का ये स्वरूप बदल सकता है। बच्चों के लिए हम उनके लिए भाग्य देना, सर मैं मेरे लिए अवार्ड नहीं मानता मांगता हूँ, मेरा असली अवार्ड अवार्ड कौन सा रहेगा आप जानते हो? जो भी मेरे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा जब उसके घर पे जैसी तरक्की होंगी, वो पढ़ाई की वजह से उसके घर में जो जितने भी तरक्की होंगी वही मेरा मेरे लिए असली अवार्ड रहेगा सर। उसके घर में जो मुझे लगता है कि आपको ऐसे बहुत सारे अवार्ड मिल गए हैं, जो एक स्टूडेंट ने एमबीबीएस किया है वो भी। जो जॉब करते हैं, जो उनके घर में जो खुशहाली आएंगी सर वही मेरा सही का अवार्ड रहेगा सर। डेफिनेटली डेफिनेटली। और जो जैसा आपने स्टार्टिंग में भी बताया कि एक बच्चा एमबीबीएस कर रहा है, एक बच्चा आईएनएस गरुड़ा में है, तो इससे बड़ा अवार्ड तो मुझे लगता है कि कोई हो नहीं सकता। तो इट्स अ रियली वेरी बिग अचीवमेंट एंड थैंक यू सर, बहुत अच्छा लगा आपके कार्य सुन के। मैंने बहुत सुना था आपके बारे में कि आप बहुत सारा काम करते हो, बहुत सारे लोगों हाँ समय के को बहुत कारण सारे मैं लोगों को आपको सभी बातें जी जी नहीं, एक्चुअली वही होता है कि आपका काम इतना बड़ा है कि हम उसको एक 30 मिनट या 1 घंटे में उसको ये नहीं कर सकते डेफिनेटली, क्योंकि इतनी सारी चीजें आप कर रहे हो, डिजिटल एजुकेशन आप कर रहे हो, गांव में आप प्रॉपरली लोगों को काउंसलिंग कर रहे हो, उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंट बता रहे हो, और आपके जो स्टूडेंट्स है वो इतनी अच्छी जगह पे आ जाए, वो भी जिला परिषद जैसे स्कूल में जाके। क्योंकि लोगों का आज यही परसेप्शन है कि बच्चों को अच्छी स्कूल में डालना है, इंग्लिश स्कूल में डालना है, जिला परिषद में प्रॉपर एजुकेशन नहीं मिलता है। बट मुझे लगता है कि अगर आप जैसे टीचर हर जिला परिषद स्कूल में हो तो लोग ये सोचना बंद करेंगे कि जिला परिषद स्कूल में प्रॉपर एजुकेशन नहीं होता है, या फिर बच्चों को इंग्लिश स्कूल में या फिर मॉडल स्कूल में डालना चाहिए। सो इट्स अ रियली वेरी अप्रिशिएबल थिंग सर। मैं ग्रीन यात्रा की तरफ से आपके बहुत बहुत आभार मानता हूँ कि आप बियॉन्ड योर वर्क काम के आगे जाके इतनी सारी चीजें कर रहे हो, और जेन्युइनली आप चाह रहे हो कि बच्चे डेवलप हो, उनकी फैमिलीज डेवलप हो। वो कहते हैं ना कि एक टीचर अगर चाहे तो वो बच्चों के साथ पूरा समाज बना सकता है, क्योंकि टीचर में वो एक क्वालिटी है, टीचर एक ऐसा पेशा है कि अगर वो चाहे तो पूरा समाज या पूरे देश में बदलाव ला सकता है। और मुझे लगता है कि इस चीज का एक आप सबसे बड़ा एग्जाम्पल हो कि आपने ठाना, आपने सोचा और आपने वो किया, और वो करने के बाद जो रिजल्ट दिख रहे हैं, क्योंकि औरंगाबाद में इतनी सारी चीजें करना वो भी काम को संभाल के, मुझे लगता है ये बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए, और ये बहुत ही अप्रिशिएबल थिंग मैं मानता हूं। जी सर, शुक्रिया सर। सर करना ये कैसा है सर, जो अपना कर्तव्य हम निभाते हैं, जो अगर हम ईमानदारी से निभाते हैं तो उसमें का जो आनंद मिलता है सर, एक अलग ही आनंद मिलता है। जी जी इस जी आनंद जी की तो आज दुनिया में कोई बात से मिल नहीं सकती, अवार्ड भी उसके सामने फीके हो जाते हैं सर। जी और जी सिर्फ जी अवार्ड के बेस पे काम करना रहा वो तो दिखावा हो गया सर, उसके लिए काम कभी नहीं करना चाहिए। अवार्ड के लिए दिखावे के लिए काम कभी नहीं करना है, काम करना है जो है बच्चों के लिए करना है, जो जो स्कूल का जो आत्मा है वो ही बच्चे रहते हैं। और जी उन्हें जब अच्छे से शिक्षा देंगे, उन्हें अच्छी क्वालिटी की स्कूल देंगे, उनके शिक्षा में जो नई नई बातें हम उनके लिए लाएंगे वो उनके लिए बहुत ही आगे, उनके फ्यूचर के लिए, उनके भविष्य के लिए ये बहुत ही काम की चीज होने वाली है सर। और हमें नए आह्वानों को स्वीकारना है सर, जो भी तकलीफ की बातें हैं डेफिनेटली सुनते हैं कि आज 20 पट के अंदर की स्कूल बंद होने वाली है, एक तकलीफ देने वाली बात होती है सर। मैं जब ये 2018 में मुरुम खेड़ावाड़ी पे आया तो मेरे स्कूल की भी पट संख्या 9 थी सर, आज लेकिन 28 पे आ गई है, एक भी बच्चा इंग्लिश स्कूल में जाता नहीं है सर, पूरे बच्चे हमारे उस मराठी स्कूल में दाखिल होते हैं, जो भी जितना भी है पूरे 100% बच्चे हमारे स्कूल में आते हैं। और ऐसे पहाड़ों में होने से कारण वो बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 5वीं तक पढ़ते हैं हमारे पास, उनको आगे भी पढ़ने की इच्छा रहती है, लेकिन फिर कैसा है हमारे भी लिमिटेशंस आते हैं क्लास की जगह की स्कूल के प्रीमाइसेस की वजह से हम 5वीं तक ही स्कूल चलाना चाहते हैं।
थैंक यू प्रकाश सर। आप जो कार्य कर रहे हो वो रियली मतलब वो बस बच्चों के एजुकेशन तक नहीं, बट वो एक नेशन बिल्डिंग के लिए, एक देश के प्रगति के लिए, देश के विकास के लिए आप ये काम कर रहे हो। क्योंकि अगर आपका एक बच्चा MBBS करके डॉक्टर बनता है, दूसरा बच्चा अगर इंजीनियर बन के INS में जाके वहां पे काम करता है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं ये देश के प्रति सर्विस हो रही है, और इनडायरेक्टली आप देश के लिए सर्व कर रहे हो। मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि मुझे आपके जैसे टीचर से बात करने की एक एक मौका एक मिला। बच्चे को अभी आप जानना चाहेंगे कि मंत्री के साथ में PA का काम भी कर रहे हैं, एक स्टूडेंट जो अच्छा पॉलिसी बनाते हैं उनके साथ में अगर हाँ काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए आज वो बहुत बड़ी बात है कि मेरे विचार आज वहां तक चले गए वो बच्चे के माध्यम से, समझो। डेफिनेटली डेफिनेटली ये यही तो होता है ना कि एक जो शिक्षक होता है, शिक्षक पेशे को इतना रिस्पेक्ट इसीलिए दिया जाता है कि एक शिक्षक अगर चाहे तो एक ड्रास्टिक चेंज ला सकता है पूरे जी सर, समाज में, पूरे देश में, और देश की तरक्की के लिए जो शिक्षक का कॉन्ट्रीब्यूशन होता है वो बहुत बड़ा होता है। क्योंकि अल्टीमेटली एक शिक्षक ही इंजीनियर बना सकता है, एक शिक्षक ही डॉक्टर बना सकता है, एक शिक्षक ही रिसर्चर बना सकता है, और एक शिक्षक ही साइंस को आगे बढ़ा सकता है। तो शिक्षक का ये बहुत बड़ा रोल होता है हमारे नेशन बिल्डिंग में, एक अच्छा इंसान बनाने के लिए भी। तो ये सारी चीजें आप कर रहे हो, बहुत ही अच्छा लगा आपसे सर बात करके। आपने जो कार्य किए वो सुन के बहुत अच्छा लगा। डेफिनेटली आई नो कि जितने भी कार्य आपने बोले वो उससे और बहुत सारी चीजें जो हम 1 घंटे में नहीं सुन सकते हैं, बट जो आपने इम्पोर्टेंट जो काम किए वो सुनने में मजा भी आया। और मुझे लगता है कि हमारे जो ऑडियंस है वो भी आपकी इन चीजों को सुन के इंस्पायर होंगे। आप बाकी के टीचर्स के लिए एक रोल मॉडल हो कि देखिए टीचर का काम बस इतना नहीं होता है कि स्कूल में जाए, बच्चों को पढ़ाए और घर पे आए। टीचर का काम उसके आगे हो सकता है कि नेशन बिल्डिंग में पार्टिसिपेट करके बच्चों के लाइफ में, उनकी फैमिली में ड्रास्टिक चेंज कैसा लाए, नेशन बिल्डिंग के लिए कॉन्ट्रीब्यूशन कैसा करे, बच्चों के फेस पे स्माइल कैसा लाए। जैसा आपने एक इंसिडेंट बोला, छोटा सा बर्थडे सेलिब्रेशन वाला, जी छोटी सर, चीज बट वो उस बच्ची के दिमाग में लाइफ टाइम रहेगी कि मेरा कभी बर्थडे नहीं मनाया जाता था, बट सर ने बोला और उसके बाद मेरे मम्मी पापा ने सोचा कि नहीं हम इसका बर्थडे नहीं मनाते, बट वो कितनी बड़ी बात है उसके लिए, उसके बाद में उसका बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ। सो ये छोटी चीजें क्या लगती है बट ये में गई सर, मेरे स्कूल से बाहर गई हो पढ़ने के लिए, बाहर के स्कूल में गई, लेकिन 30 नवंबर को मेरा बर्थडे था, तो उसने खुद के हाथ से बुके बना के लाई थी सर मेरे लिए। सो मुझे लगता है ये आपके लिए एक क्या बोलेंगे, प्रशस्ति पत्र या ट्रॉफी या फिर जी सर, वो एक ये बच्चों है। जी का बहुत ही ये रहता है, इसमें बच्चों से मिलने वाली जी चीज बहुत बड़ी लगती है सर। जी डेफिनेटली सर, डेफिनेटली। और आप वो डिजर्व करते हो क्योंकि वो इसीलिए आपको दे रहे, क्योंकि आपने जो चीज उनके लिए की वो उनके एक लाइफ टाइम एक्सपीरियंस है उनके लिए, कि आपने जो माइंडसेट बदला उनकी माता पिताजी का। सो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर कमिंग ऑन अवर सस्टेनेबल सैटरडे सेशन। आई नो कि आपका टाइम बहुत पैक होता है, आपको दिन में नियर अबाउट 80 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। आज जो भी आप ट्रैवल करके आए हो थके हुए, फिर भी आपने हमसे बात की, आपने बताया कि क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या करना चाहिए। आपका जो सस्टेनेबल मॉडल है वो भी बहुत ही अप्रिशिएबल है। मुझे लगता है हर स्कूल में ये मॉडल होना चाहिए, एंड इनफैक्ट मुझे लगता है कि हर स्कूल में आपके जैसा एक टीचर होना चाहिए कि जो खुद के मॉडल डेवलप करे, खुद का सस्टेनेबिलिटी एक मॉडल डेवलप करके बच्चों तक अच्छा एजुकेशन प्रोवाइड करे, जिला परिषद जैसे स्कूल के बच्चों को टॉप लेवल तक, टॉप ऑफिशियल लेवल तक वो पहुंचाए। और आपके जैसा हर एक स्कूल में टीचर बनता है, सो मुझे लगता है कि हमारा इंडिया बहुत बहुत जल्दी बहुत आगे जा सकता है। जी सर, बहुत ही थैंक यू, जल्दी थैंक यू सर। कि मैं आभार मानता हूँ जिन्होंने मेरा चुनाव किया था, जो आपके इसमें आपने मुझे जो आज हाईलाइट किया, मेरे काम को आपने हाईलाइट किया, इसके भी मैं आप सबसे आभार मानता हूँ सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर।